सेकेंड हाउस की बात कर रहे हैं तो सेकेंड हाउस मेनली हम फाइनेंस देखते हैं। फाइनेंस में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपने आपको सैलरी मिली, सैलरी मिलके आपके बैंक में आया। जो मैं आपको ये कहता हूँ, जब मैंने हाउस सिग्निफिकेटर बताए थे तो मैंने ये बताया था जो भी बैंक बैलेंस है वो सेकेंड हाउस है, मतलब जो भी जमा किया हुआ पैसा आपके पास है वो सेकेंड हाउस है। तो फाइनेंस के लिए प्राइम हाउस हम सेकेंड हाउस को मानते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हाउस फाइनेंस के लिए प्राइम हाउस है। अब आप देखें, इस हमें ये पता है कि कोई भी घटना जो होती है वो एक घर से कभी नहीं होती, एक प्लैनेट से कभी नहीं होती। केपी ये कहता है कि एक से ज्यादा हाउसेस की जुड़ के ही एक घटना पूरी होती है। तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे कि हमारी इच्छा पूर्ति जो है वो 11th हाउस है। तो फाइनेंस के लिए 11th हाउस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अगर हाउस हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट छठा घर है जिससे सबसे बड़ा पैसा आता है। हम छठे घर को सबसे इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। आप देखें कि ये आप है जी, ये आपका धन भाव है, ठीक है, ये आप है, ये आपका धन भाव है और आपका खर्चा है 12th हाउस। वैसे ही आप दुनिया में किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी पब्लिक डीलिंग करते हैं तो वो 7वां घर होता है। आपके सामने जो भी खड़ा है इस दुनिया में वो 7वां घर है। और 7वें घर का खर्चे वाला घर उसका 12वां होता है, जो कि 7वें का 12वां छठा घर होता है। तो जब हमारे सामने वाला खर्चा करेगा तो वहां से ही तो पैसे आएंगे। तो इसलिए छठा घर बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंस के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से यहाँ पे इनको सपोर्ट करने वाला जो घर है वो 10वां घर भी है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 2, 6, 10, 11 ये फाइनेंस के अच्छे घर हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये दीज आर गुड हाउसेस, ठीक है। अब इनमें खराब हाउसेस भी होते हैं कि हमारे पैसे फंस जाते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस प्राइम हाउस को डिनाई करता है तो फाइनेंस के लिए पहला घर अच्छा नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या होता है कि अपने ही ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं तो पूछे ही मत। तो पहला घर हम खुद हैं, हम अपने ऊपर खर्च, अगर सेकंड लॉर्ड, सेकंड सब लॉर्ड पहला ले तो इसका मतलब जातक अपने ऊपर खर्चा करने में ज्यादा शौकीन रहेगा, ठीक है। अब आप देखें, इसके बाद इसको डिनाई करने वाला 5वां घर है। क्यों? क्योंकि छठा घर जो है पैसे आने का सबसे बड़ा जरिया है। 7वें का 12 बनता है, उसको डिनाई करने वाला घर 5वां है। फिर आप देखें, और जो 12वां घर है वो खर्चे का है, वो हमें पता है। और जो पैसा फंसता है वो 8वां घर फंसा देता है। तो 1, 5, 8, 12 जो है फाइनेंस के लिए बुरे घर हैं। अगर आप देखें कि अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल जो प्लैनेट है वो कहीं से भी ये वाले हाउसेज लेके चल रहा है तो आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रगलफुल लाइफ रहेगी। अगर वो हाउसेज 2, 10, 11, 6 ले ले तो ये बहुत ही बढ़िया है, और इनमें से कोई भी ना ले तो ही आप कह सकते हैं कि आप टाटा बिरला जैसे फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। जहां ये मिक्स हाउसेज आ जाते हैं तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसी में आप ये देखेंगे, आप एज अ एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके पास लोग हमेशा आएंगे, सर आप ये बताएं, मैडम आप ये बताएं कि कौन सा मैं स्टोन पहनूं जिससे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाएगी। और मैं हमेशा हर इंसान से ये कहता हूँ, आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कोई एक ऐसा प्लैनेट हो
जो कि 100% आपको फाइनेंस देगा ही देगा। उसके स्टोन पहनने से आपको 100% फाइनेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर प्लैनेट कुछ अच्छा कुछ बुरा हाउस हमेशा लेके चलता है। बहुत यूनिक चार्ट्स होते हैं जिसमें आपको प्लैनेट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है, जो कि वो रिजल्ट देते हैं। तो फाइनेंस कभी भी हमें देखना है तो इन हाउसेस को हमें ध्यान देना है। प्राइम हाउस सिर्फ और सिर्फ दूसरा घर है, तो दूसरे घर से हम फाइनेंस को चेक करेंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट है हमारे पास ये। तो फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें हमने ये बताया सबसे पहले हमें सेकेंड हाउस सबलॉट देखना है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे सेकेंड हाउस सबलॉट जुपिटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड हाउस लॉर्ड जुपिटर है। अब जुपिटर आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट जुपिटर मींस बड़ा बड़ा, ठीक है। जुपिटर इटसेल्फ इज अ कारका फॉर फाइनेंस, जुपिटर फाइनेंस का कारक है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जुपिटर फाइनेंस के लिए देने के लिए रेडी है, और जो भी पैसा आएगा बड़े लेवल पे आएगा, छोटा मोटा नहीं होगा। अब आप देखें इसको कंफर्म करने के लिए हमें लॉर्डशिप देखना है, स्टार देखना है, हर चीज देखना है, ठीक है। क्या जुपिटर सही जगह बैठा है, और जो ये दिखा रहा है प्रॉमिस जो ये, क्योंकि फर्स्ट सबलॉर्ड जो है प्लानिंग बताता है, फर्स्ट सबलॉर्ड एक ऊपरी आभा बताता है, मतलब दुनिया को जिसका भी चार्ट है उसके मतलब फ्रंट में जो भी बंदा खड़ा रहेगा उसको हमेशा ये लगेगा कि इस जातक के पास बहुत पैसा है, क्योंकि ये सेकेंड सबलॉर्ड जुपिटर आया है और जुपिटर तो दर्शा रहा है, तो वहां से सामने वाले पार्टी को ये लगेगा इसके पास तो बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर है, तो जुपिटर तो एक बेनिफिक प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, तो एक बड़ा स्टेटस भी दिखा देगा कि उसके पास बहुत बड़ा पैसा है, ज्यादा पैसा है। लेकिन हमें तो कंफर्म करना है, हमें सिर्फ ऊपरी आभा से नहीं समझना है, हमें कंफर्म करना है क्या जुपिटर 2, 6, 10, 11 में से किसी भी एक घरों से कनेक्शन बना रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ फाइनेंस सही है। लेकिन हम कंफर्मेशन में तब आएंगे जब हमें पता चलेगा कि जुपिटर 100% एक पॉजिटिव हाउसेस को लेके चल रहा है, नेगेटिव हाउसेस को लेके नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ जी, ये जुपिटर 9th 10 है 10 जुपिटर 9th में बैठा है, ठीक है। 10 और 1 का माल 10 आ गया, 1 आ गया, तो हम ये कहेंगे फाइनेंस का एक अच्छा हाउस आया है जो 10वां घर है। 1 भी आया है तो इसका मतलब जातक अपने ऊपर भी खर्चा करेगा, खर्चा, ठीक है। अब क्या है, अब आगे देखिए जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है। जुपिटर का स्टार लॉर्ड यहाँ पे केतु है, यहाँ हाँ। फिर से गड़बड़ हो गई, सामने से चीज बढ़िया हो गई, लेकिन आप ये हमेशा पकड़ लें जब केतु आएगा उस फाइनेंस में हमेशा वो कमी देगा, रुकावटें लाएगा, क्योंकि केतु जो है एक छोटा सा छेद है फाइनेंस में, वो एक छेद कर देगा जहां से आप सोचे कि लीक हो रहा है पैसा, ठीक है। केतु मतलब छेद, तो फाइनेंस में जब केतु आ रहा है वो कहीं ना कहीं जातक को कमी महसूस जरूर कराएगा, मतलब जब जरूरत होगी तब इनको लगेगा भाई मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वर्ड बिल्कुल नहीं है, ये वर्ड इनको पूरी तरह से महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये केतु है, केतु बाय डिफॉल्ट, क्या कह रहे हो? करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर, राहुल इनके जैसा ही मेरा है, अभी तो मेरे को लग रहा है कि सच्ची में नहीं है। नहीं, अभी तो बहुत कंफ्यूज हो गए, अभी पूरा चलते हैं, कंफर्म नहीं, जी जी पूरा चलते। नहीं, मेरी बात कर रही हूँ सर, हाँ जी, उसमें हम पूरी तरह से चीज समझेंगे, ऐसे अधूरा प्रेडिक्शन हमें नहीं करना है, हमें प्रॉपर चीज को समझना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है।
जी केतु आया, तो केतु हमेशा कमी देता है। मैं आपको ये बताता हूँ केतु क्या करता है, छेद है वो, जहां पे भी होगा वहां कमी करेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना, केतु का काम है डिटैच करना। तो जो चीज से वो कमी कर देगा तो वहां इच्छा में कमी आ गई। फिर हम देखेंगे केतु कौन कौन से घरों को लेके चल रहा है। तो आप यहाँ देखें, केतु जो है चौथे घर में बैठा है, ठीक है, फोर्थ हाउस में बैठा है, और केतु का साइन लॉर्ड चंद्रमा है। तो आप चंद्रमा को देखें, मून कौन से घर ले रहा है। अब मून ने पांचवा घर लिया है, पांचवा घर अच्छा नहीं है फाइनेंस के लिए, हमें पता है। मून ने आठवा ले लिया है, ये भी अच्छा नहीं है। आठवा मतलब पैसा फंस जाना, ठीक है। ऊपर से आठवा जो है, आप देखें मंगल की राशि है, तो ये जहां पैसा देंगे, आठवा मंगल ले ली, तो वहां पैसा मर जाएगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। तो फाइनेंस में पैसा, मंगल अगर आठवा ले ले, फाइनेंस से जुड़ जाए, तो वहां पे पैसा फंस जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा भी आ गया है केतु के साथ, तो उसी जी के कारण भयंकर टेंशन हो जाएगी, भयंकर टेंशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आ गया, केतु जुड़ गया, फाइनेंस के कारण जुड़ा, फाइनेंस की वजह से भयंकर टेंशन हो जाएगी। अब आप देखें, इसमें मून आया है केतु का, फिर शनि आ गया, ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवर आ गया है। शनि दूसरे ग्रह में, दूसरे हाउस में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न जो है वो बढ़िया घर में बैठा है। तो मैं ये कहूंगा कि इस चार्ट में मेन सर्वाइवर जो है सैटर्न है। सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है। जब सैटर्न ने बोल दिया कि मैं दूसरे घर में हूं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं इनको फाइनेंस दूंगा, ठीक है। और सैटर्न जब आता है तो वो देरी जरूर करता है, लेकिन देता जरूर है, 100% गारंटी के साथ, ठीक है। अब आप देखें कैसे, सैटर्न तो 11वां घर भी लेके चल रहा है और सैटर्न 12वां भी ले रहा है, तो इसका मतलब खर्चा सैटर्न भी कराएगा, 100% कराएगा, और बड़े लेवल पे कराएगा, क्योंकि सैटर्न बड़ा भी है। लेकिन सैटर्न कहीं ना कहीं जब 11वां ले रहा है फाइनेंस के लिए, सैटर्न मतलब खर्चे में तो बढ़ा देता है, लेकिन पैसे में जो डिजायर फुलफिलमेंट है उसमें कमी कर देता है, ठीक है, उसमें कमी कर देता है। क्योंकि कैप्रिकॉन राशि है, कैप्रिकॉन राशि में हमेशा ही जातक उस एरिया में अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। लेकिन 100% सैटर्न जब सेकंड हाउस ले रहा है तो फाइनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। रीजन, जहां सैटर्न बैठता है वहां बढ़ा देता है, जहां जुपिटर बैठता है वहां वो स्थान में जहां बैठेगा वहां वो नुकसान करेगा, ठीक है, लेकिन जहां शनि बैठेगा वहां वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पे शनि ने अच्छे घर ले रखे हैं, 2, 11, 12। जब 2, 11 जुड़ गया तो 12 ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ओवरऑल खर्चा तो होगा, हम खर्चा तो करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल जी का चार्ट है, तो राहुल जी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से इनको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब सेकंड सब लॉर्ड 12वां और 11वां दोनों ले ले, कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना ले, तो हम ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट करके 100% इनको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने केतु को देख लिया, केतु शनि में है, तो केतु के पूरे रिजल्ट के लिए हमें ये भी देखना है कि क्या केतु पे किसी की दृष्टि है। तो आप देखें, केतु पे बुध और सूर्य की दृष्टि है, तो यहाँ पे मरकरी और सन भी हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि मरकरी और सन कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे मरकरी भी आप देखें 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस। 10th हाउस में बैठा है, सातवें घर को लेके चल रहा है फोर और सेवन हाँ चौथे घर को लेके चल रहा फोर सेवन नाइन है। 9 कैसे, टेन ओ सॉरी सर 10 10 10 10। टेन ओके ठीक। तो हमारे मरकरी ने 10, 7, 4 लिए हैं, ठीक
सात और चार भी ओके ओके हाउसेज हैं फाइनेंस के लिए, लेकिन दसवां अच्छा घर है। अब सूर्य को जी देखें, सूर्य ने छठा घर ले लिया है, ये सबसे बढ़िया हो गया। ठीक है, जी सूर्य ने छठा घर ले लिया है और सूर्य तो 11वें में है, 6-11 लेके चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इसको जी कंफर्म करने के लिए हमें देखना है सूर्य किसकी राशि में है, किसके स्टार में है। सूर्य सूर्य मंगल के स्टार में है, फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और मंगल 8वां लेके चल रहा है, वो हमने देख लिया था, लेकिन मंगल पहले घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है और मंगल 8वां है और मंगल की राशि दूसरी वाली कट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला घर आया है, पहले घर में मंगल बैठा है, फाइनेंस के कारण जुड़ा है, तो इनके गुस्से के कारण इनके पैसे फंस जाएंगे या तो खर्चा हो जाएगा, तो इनको जो इनका गुस्सा है वो फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंगल लगन लेके चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंगल हॉट प्लेनेट है, जब वो सूर्य के स्टार में बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा दे देता है, और गुस्सा देने के कारण जब 8वां ले लिया तो फाइनेंस में पैसा फंसा भी दिया और नुकसान भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप लोग केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने जुपिटर यंत्र बनाया है जो कि स्पेशलाइज्ड इस जुपिटर ट्रांजिट के लिए है, और ये सबके लिए कस्टमाइज रहेगा, सबके लिए अलग रहेगा। इसके लिए आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद हम इंडिविजुअली हर इंसान के नाम पे ये यंत्र को एक्टिवेट करेंगे और उनके एड्रेस पे शिप कर देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।